अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल संभल में एक SDM के साथ ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला SDM वंदना मिश्रा ने 30,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से कुछ मेडिकल उपकरण मंगवाए थे, लेकिन बदले में उन्हें पैकेट में सैनिटरी नैपकिन मिले जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। SDM ने इस पर एक्शन लेते हुए डिलीवरी बॉय को पुलिस चौकी पहुंचाया, फिर उन्होंने अमेजन कंपनी के मैनेजर को एक दिन का समय देते हुए सही सामान डिलीवर करने को कहा। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाएंगी। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ संभल डिस्ट्रिक्ट। आपने ऑनलाइन मंगाया था, क्या फर्ज हुआ आपके साथ? हमने रेजमेट का ऑटो एयरस्टार्ट CPAP मंगाया था और अमेजोन के द्वारा हमें CPAP की जगह पर नैपकिन आज डिलीवर किया गया है। कितने लोग पहुँचाए थे? एक डिलीवरी बॉय आया था। कितने रुपये का पैकेट था? हमारा 30,000 का ये था, 30,000 हमने प्रीपेड कर दिए थे एक सप्ताह पहले। ये कितने रुपये का आर्टिकल होगा? ये 100 रुपये का या 100 से भी कमी का होगा। क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम भी जाएंगे और FIR भी दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि SDM वंदना मिश्रा बहजोई डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हैं और वो चंदौसी जिले में रहती हैं। फ्रॉड के मामले में डिलीवरी बॉय से नाराजगी जाहिर करने का उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। SDM वंदना मिश्रा ने बताया कि जब उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है तो आम लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। इस घटना से तो ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि आम लोगों के साथ ये फ्रॉड बहुत इस तरह के फ्रॉड होते होंगे और वो किसी रेमेडी तक भी नहीं पहुंच पाते होंगे। उन्हें छोड़ दिया है, अभी इनके ऑफिशियल से बात हो रही है जो अमेजोन के हैं, और अगर कल तक इन्होंने कोई रेमेडी नहीं उपलब्ध कराई तो फिर हम इनके खिलाफ जाएंगे। वंदना ने सलाह देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर मंगवाते हैं तो सबसे पहले उसे चेक कर लें। ऑनलाइन पेमेंट करना भी है तो पहले ऑर्डर पर आए हुए सामान को खोलकर चेक करें, अगर सही सामान नजर आए तभी सामान का पेमेंट करें। अब इनके लिए ये संदेश है कि ये जागरूक रहें और जब भी सामान लें तो उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही फीडबैक दें या अपना OTP उपलब्ध कराएं जो डिलीवरी बॉय लेकर आता है। बहरहाल लाखों लोग अपना वक्त बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कई बार ठगी का शिकार हो जाते हैं। SDM के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में सरकार को एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाया जा सके।